नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मोदी सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में हटाया राष्ट्रपति शासन। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को पलटते हुए नैनीताल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला सुनाया है। इससे पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हरीश रावत को 29 अप्रैल तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता भी रद्द कर दी। 27 मार्च को केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। दूसरी ओर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि समय आ गया है कि एजी और एसजी को बदले सरकार। महाराष्ट्र के 11 बड़े सिंचाई बांधों में 7 का जल भंडार खत्म। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र के 11 बड़े सिंचाई बांधों में से 7 का जल भंडार खत्म हो चुका है। एक सरकारी आंकड़े से इस बात का खुलासा हुआ है। जल संसाधन विभाग की ओर से 15 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार सूखा प्रभावित मराठवाड़ा क्षेत्र में 814 बड़ी, मध्यम और छोटी सिंचाई परियोजनाओं में केवल 3% जल भंडार उपलब्ध है। मराठवाड़ा के 7 बड़े सिंचाई बांधों में जल भंडार पूरी तरह खत्म हो चुका है। इसमें जायकावाड़ी, पूर्ण सिद्धेश्वर, मजलगांव, मांजरा, निचले तेरना, मन्नार और सेनाकोले गांव शामिल हैं और यह औरंगाबाद, परभनी, बीड़, नांदेड़ और उस्मानाबाद जिलों में स्थित है। वयोवृद्ध अभिनेता दिलीप कुमार की अस्पताल से छुट्टी। वयोवृद्ध अभिनेता दिलीप कुमार को गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें सांस की तकलीफ के बाद बांद्रा के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले अभिनेता की देखभाल में लगे डॉक्टरों की टीम में शामिल डॉक्टर जलील पारकर ने कहा कि दिलीप कुमार ठीक है। दिलीप कुमार की पत्नी अभिनेत्री सायरा बानो के अनुसार अभिनेता को तेज बुखार, सीने के संक्रमण और सांस संबंधी तकलीफों के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विकास एवं जन कल्याण के वाहक बने लोक सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोक सेवकों से कहा कि वे बंद दायरे में काम करने की बजाय देश के विकास और लोगों के कल्याण के लिए बदलाव के वाहक बने। लोक सेवा दिवस पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उनसे बृहद बेहतर परिणाम के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ बदलाव लाने के लिए प्रयोग करने को कहा। मोदी ने कहा कि हमें एकाकी रूप से काम करने की बजाय टीम के रूप में काम करने से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। भूमध्य सागर में नाव डूबने से 500 शरणार्थियों की मौत। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि लीबिया में इटली के बीच भूमध्य सागर में नाव डूबने से 500 से अधिक शरणार्थियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षित बचाए गए शरणार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग को बताया कि शरणार्थियों ने एक जहाज का मलबा देखा है जिसमें लगभग 500 लोग मारे गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।